ये केक ना बनाकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि मैंने पहली बार विप क्रीम से ना आइसिंग की थी। क्योंकि मैंने आज तक कभी जैसे केक तो बहुत बनाया लेकिन कभी इस तरीके से आइसिंग नहीं की थी। एंड केक की लुकिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और मुझे इसको बनाने में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी वो भी मैं आगे आपको बताती हूँ। तो चलिए पहले सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं स्पॉन्ज। स्पॉन्ज बनाने के लिए मैंने आधा कप मिल्क ले लिया और इसमें एक टेबल स्पून ना विनेगर एड करके उसे साइड में रख दिया फटने के लिए। फिर यहाँ पर मैंने ले लिया इस तरीके की छन्नी और एक बाउल ले लिया। फिर इसमें ना ऐड कर देंगे एक कप मैदा मैंने ले लिया हुआ है। फिर इसके बाद मैंने लिया आधा चम्मच बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ले लेना, दोनों इक्वल ही लेना है हमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। फिर इसे लेने के बाद में अच्छे से छान लेना है। इस तरीके से छान के बनाने से ना बहुत ही अच्छा वाला रिजल्ट मिलता है, हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसे छान कर लेने से। तो देखिए इस तरीके से जो बेकार पोर्शन था वो निकाल कर हमने साइड कर दिया। एंड यहाँ पर हमने छान लिया मैदे को, इसमें ना एक चुटकी नमक ऐड कर देना, नमक से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। डालिएगा जरूर आप नमक को, एक चुटकी ही लेना है हमें, नमक ज़्यादा नहीं लेना है। फिर इस तरीके से मिक्स करके इसे साइड में रख दें, दूध फट के रेडी है बिल्कुल। अब इसमें मैंने ले लिया है आधा कप शुगर पाउडर ले लिया है। आप चाहो तो ना खड़ी चीनी होती है ना जिसे मिक्सर में चलाकर ना छान के लेना, बिना छाने मत यूज़ कीजिएगा। फिर देखिए इस तरीके से छान कर मैंने इसमें ले लिया था। फिर मैंने आधा कप यहाँ पे ले लिया है रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल ही लेना है, कोई जैसे फ्लेवर वाला या फिर किसी में स्मेल आती हो ना वैसा ऑयल इसमें नहीं यूज़ करना है, नहीं तो केक का टेस्ट बिगड़ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया है रिफाइंड ऑयल। फिर इसमें मैंने ले लिया है वनीला एसेंस, आप चाहो तो कोई सा भी एसेंस इसमें यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आपको जैसा भी फ्लेवर पसंद है। एंड यहाँ पर देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है बिल्कुल, दोनों तीनों चीज़ों हमने ऐड किया ना उसमें बहुत ही प्रॉपरली मिक्स हो जानी चाहिए। इसके बाद देखिए ये मिक्स हो गया है, अब इसमें हम ऐड कर लेंगे मैदा। तो मैदा को हमें एक साथ ही नहीं डाल देना, आधा आधा करके ऐड करना। देखिए इस तरीके से मैंने एक बार डाल के ना इसे पूरा मिक्स कर लेने के बाद ही इसमें दूसरी बार ऐड किया था, देख लेना पहले कि लम्स तो नहीं है ना, पूरा लम्स इसे अच्छे से हमें इसमें मिक्स कर देना है, इसके बाद ही हम दूसरी बार ऐड करेंगे। देखिए दूसरी बार ऐड करने के बाद ना मैंने मैदे को यहाँ पर ले लिया, मैंने एक कप मिल्क पाउडर ले लिया। मिल्क पाउडर ना पहले इसलिए नहीं छाना क्योंकि नहीं गुठलियाँ बन जाती हैं मिल्क पाउडर की बहुत ही स्पीड में, तो इसलिए आप इसको जब बैटर बनाइएगा ना तभी ऐड कर लीजिएगा। आधा कप ले लिया था मैंने मिल्क पाउडर। एंड इसके बाद देखिए बैटर काफ़ी थिक लग रहा है, तो इसमें मैंने ऐड कर दिया ना 2 टेबल स्पून जितना मैंने मिल्क ऐड कर दिया। मिल्क ऐड करने के बाद भी इसे अच्छे मिक्स कर लेना है। एंड मिल्क जो हमने लिया था ना वो रूम टेम्परेचर पर ही था, रूम टेम्परेचर पर ही रहना चाहिए वरना केक का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। देखिए इस तरीके से ना बैटर रिबन स्टाइल में बन के बिल्कुल रेडी है, तो इसे हम रख देते हैं साइड में। एंड हमारा जो मोल्ड है ना उसे ग्रीस कर लेते हैं। आपके पास अगर कोई इस तरीके के साइज का कोई बर्तन हो तो आप उसमें भी बना सकते हो बहुत ही इजीली। मैंने यहाँ पर इसमें बटर पेपर लगा दिया, आप चाहो तो नहीं भी लगाओ तो भी चलेगा। एंड इस तरीके से बैटर को मैंने ना इस तरीके से मोल्ड में ऐड कर दिया। एंड ये आप देख सकते हो कि अभी आधा है लेकिन बनने के बाद ना बिल्कुल इसका डबल हो जाने वाला है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। इसका जो मेजरमेंट मैंने आपको बताया ना बिल्कुल वही अगर आप फॉलो करके बनाते हो ना तो बिल्कुल आपका परफेक्ट बनेगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। फिर इस तरीके से ना स्पैचुला से मैंने देखिए इस तरीके से करने के बाद ना टैप कर दिया है 2 से 3 बार अच्छी तरीके से। फिर मैं इसे इडली मेकर में बना रही हूँ, मैंने इसको 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रख दिया था हाई फ्लेम पर, फिर इसे लो कर दिया था 5 मिनट हाई फ्लेम पर और 5 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पर गर्म किया था। फिर लेकिन अभी बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम पे है, हाई और स्पीड पे नहीं रखना है, बिल्कुल लो पे रखना है। फिर इसे मैंने देखिए आप 35 मिनट के बाद चेक किया ना तो थोड़ा थोड़ा सा इसमें कसर रह गई थी, तो मैंने इसको ना 10 मिनट और कुक कर दिया, बिल्कुल बन के रेडी है। देख सकते हैं आप काफ़ी डबल हो गया है हमारा केक पहले से। एंड इसको हम चलो डिमोल्ड कर लेते हैं अच्छे से। एंड इस तरीके से मैंने निकाल लिया। एंड इसको ना आज हम काटने वाले हैं धागे से, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा स्पॉन्जीनेस इसमें दिख रहा है काटते वक्त ही। मैंने इसका ऊपर का हिस्सा निकाल दिया है आइसिंग करने के लिए, लेकिन मैंने इसकी आइसिंग की वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि ना मुझे आता नहीं था पहली बार, मैंने सोचा कि मैं सीख कर ही क्यों ना आपके लिए इसकी वीडियो बनाऊँ आइसिंग की। तो मैं जब सीख लूँगी ना तो आप लोगों के लिए ज़रूर मैं आइसिंग की रेसिपी मतलब आइसिंग करते वक्त रेसिपी की वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। तो इस तरीके से मैंने देखिए इसे धागे से कट किया था, मैंने इसका जो लेयर बहुत ही अच्छा जालीदार बन के रेडी हुआ था, देख सकते हैं आप कितना स्पॉन्जी दिख रहा है ना स्पॉन्जी, तो बना के ज़रूर ट्राई करना। एंड हाँ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।